दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुनाहना थाना अंतर्गत गांव खेडला में पहुंचे हैं। यहां पर जो 20 तारीख करीब 6 बजे की घटना बताई जा रही है, मामूली कहा सुनी को लेकर और यानी कि आपसी लेन देन को लेकर एक पक्ष पर जो घर में घुसकर जबरदस्त मारपीट की गई कुछ दबंगों द्वारा। हमारे साथ पीड़ित पक्ष है, ये हमें बताएगा आखिरकार कब की यह घटना है, वो क्यों इस इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है इस पक्ष के जो है एक व्यक्ति सहित एक महिला के जो है गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पीड़ितों का इलाज होने पर आज पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। जानते हैं आखिरकार इस लड़ाई का सच क्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन। तो जाकिर, ये झगड़ा है जो कितने तारीख की घटना है? ये 20 तारीख की आती है। अच्छा, तो क्या हुआ था, किस तरीके से, कौन कौन लोग आए थे? बस हम अपने घर में काम में व्यस्त थे, अचानक मुबीन और जयकम, जफरू, शराफत, रहीस, नासिर और शाहरुख और हासम और क्या नाम है रमजान, हकमुद्दीन और अन्य साथी उसके साथ मिल गए। अच्छा, क्या थे उनके हाथों में, कोई क्या क्या लेके आए? उनके हाथों में फरसा और लोहा की राड, कुल्हाड़ी और लाठी और पत्थर, ये डंडा सब कुछ। तो यहाँ पे आप अकेले थे या और परिवार नहीं थे? बस छोटे मोटे बच्चे, मैं और मेरा भाई और मेरे भाई की जो घरवाली विधवा, वो थे, अपने काम में व्यस्त थे। किस बात पे झगड़ा, किस बात पे हुआ था? बस झगड़ा इसी बात पे हुआ था, हमारा उसका कोई आपसी लेन देन था, उसमें बातचीत चल रही थी, अचानक उन्होंने दबंगी दिखा के आके हमारा पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने आपकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया, क्या चाहते हो आप लोग? पुलिस ने हमारी शिकायत मुकदमा दर्ज कर लिया, हम उसमें कानूनी कार्रवाई और अपना न्याय चाहते हैं, कि हमें न्याय मिले। तो आरोपियों को सिर्फ पुलिस गिरफ्तार करे? हाँ, पुलिस ऐसा है जी, जब वो यहाँ पे आए थे उन्होंने लूट मार करी थी, तो मेरी पॉकेट में रखे थे 37 रुपया, उनको भी ले गए और जो हमारी भाभी थी उसके कान के जो कुंडल थे सोना को, उनको भी खींच ले गए। कुल मिलाकर 20 जुलाई की ये घटना है और समय करीब शाम 6 बजे की वारदात है कि ये अपने घर पर आराम कर रहे थे, तो तभी दबंग टाइप के लोग आपसी पैसे की लेन देन को लेकर इनके घर में प्रवेश कराते हैं और एक महिला और एक व्यक्ति पर जो है बुरी तरह वार किया जाता है और उनको पूर्ण तरीके से लाठी, जो तेज धारदार हथियार सहित लाठी डंडों से लैस होकर यहाँ आते हैं और इन पर जानलेवा हमला करने के साथ साथ में इस परिवार को बहुत बुरी तरह दबंगई से पीटा जाता है। आनंद फानंद परिवार थाने में यानी कि शिकायत देता है, हालांकि पुनाहना थाना पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना यह होगा आखिरकार पुनाहना पुलिस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है।